अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको आज करवा रही हूँ फर्स्ट ईयर जूलॉजी के कुछ सवाल थे एमसीक्यूज, ठीक है। जिन्होंने भेजे थे वो थी ये, और इनके बकौल ये थे पीसी के कॉम्प्रिहेंसिव के पेपर ही थे। हालांकि मैं कॉम्प्रिहेंसिव या जो गेस्ट पेपर था पीसी का 2021 का, वो मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था ये सवाल वो नहीं थे, वो डिफरेंट थे, ठीक है। ये सवाल डिफरेंट है, जो उनके पास पेपर था उससे डिफरेंट है। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि इसमें कुछ प्रीलियम पेपर के भी जो है वो मिक्स सवाल थे। कौन से कॉलेज के प्रीलियम पेपर थे ये उन्होंने नहीं बताया, तो अगर वो वीडियो देख रही हैं तो वो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि सबको पता हो कि हम क्या कौन से सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये कि रिक्वेस्टेड एमसीक्यूज हैं, सॉल्व करते हैं। पहला सवाल था कि फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, इन्होंने ऑप्शन में लिखा हुआ है जीन्स, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। हम एक एक ऑप्शन को कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करके जो है वो सही ऑप्शन को टिक करेंगे। क्या होता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बेसिकली बने होते हैं प्रोटीन होता है, उसमें आरएनए होता है और उसके अंदर डीएनए होता है। तो क्रोमोसोम या न्यूक्लियस वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इनके अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर ये नहीं होते, इसका फंक्शनल यूनिट ये नहीं होते। फिर क्या बात है, डीएनए के बारे में हमने क्या पढ़ा है, एक तो उसके फंक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा है कि ये इसके पास जो फंक्शनल जो चीज़ होती है वो, या जो चीज़ ये कैरी कर रहे होते हैं वो जेनेटिक मटीरियल होता है, या वो चीज़ होती है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक्सप्रेस हो रही होती है, और सारी चीज़ें जो होती हैं वो बेसिकली उस इंसान की जो है जीन्स उसको बना रही होती हैं। तो एक तरह से अगर फंक्शन की बात करें तो डीएनए जो है वो एक हेरिडिटरी मटेरियल है। किस तरह से क्यों होता था हेरिडिटरी मटेरियल, क्योंकि उसके पास जीन्स होती थी। लेकिन हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है कि उसके स्ट्रक्चर में जो होते हैं वो एक इस तरह से जो होते हैं वो डबल चेन्स होती हैं, जो कि जिसके अंदर जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं डीएनए की। तो उन्होंने सवाल में पूछा था कि फंक्शनल यूनिट क्या है डीएनए का, यानी फंक्शन के हिसाब से जीन्स का काम होता है कि वो हेरिडिटरी मटेरियल कैरी कर रही होती है, यानी डीएनए का फंक्शनल यूनिट हो जाते हैं जीन्स। अगर वो यहाँ सवाल में स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करते डीएनए की, तो वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चरल यूनिट हो जाते हैं, और फंक्शनल यूनिट जो होते हैं वो डीएनए के, वो जीन्स होते हैं। उसके बाद अगला सवाल था मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल इन सेल, लिविंग सेल। तो सबसे ज़्यादा सेल के अंदर जो चीज़ होती है वो होता है वाटर, ठीक है। 70-90% जो होता है हर सेल के अंदर वाटर होता है, फिर उसके बाद प्रोटीन्स आते हैं, फिर मेरे ख्याल से कार्बोहाइड्रेट होता है, और फिर डीएनए वगैरह होता है। उसके बाद अगला सवाल था नेचर ऑफ एंजाइम्स, तो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन, आसान था। उसके बाद अगला था एंजाइम गेट्स डीनेचर्ड एट, तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये नॉन फंक्शनल होते हैं, डीनेचर नहीं होते, और 37 डिग्री सेल्सियस पे इनकी जो होती है वो ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है। तो ये हो गया इसका 100। उसके बाद अगला सवाल था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटोजोआ, तो अगर यहाँ पे इंजेस्शन नहीं लिखा होता तो आंसर हेटरोट्रॉप्स होता है। हमें पता है कि ये जो है वो यूनिसेलुलर हेटरोट्रॉप्स होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इंजेस्शन बतानी नहीं, हेटरोट्रॉपिक तो होते हैं, लेकिन हेटरोट्रॉपिक में भी जो इंजेस्शन होती है या इंजेस्टिव मूड होता है इनका न्यूट्रिशन का, उसमें क्या कर रहे होते हैं, फेगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं सब्सटेंसेस की। तो यहाँ पे इस हिसाब से ऑप्शन हो जाता है बेस्ट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन इंजेस्शन। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम हेटरोट्रॉप्स चूज़ करते हैं। उसके बाद था द स्केलेटन ऑफ बाथरूम स्पॉन्जेस इज मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर है स्पॉन्जन, ठीक है। बुक में लाइन लिखी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। फाइलम पॉलीफेरा में यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्केलेटन ऑफ बाथरूम स्पॉन्जेस जो होते हैं वो नेटवर्क होता है स्पॉन्जन फाइबर्स का, तो हिसाब से यहाँ पे आंसर हो गया था स्पॉन्जन। उसके बाद अगला सवाल था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस टेक्स प्लेस, तो इसी पैराग्राफ के आगे जो है वो गैम्यूल फॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ है कि बेसिकली एसेक्सुअली जब स्पॉन्जेस को रिप्रोड्यूस करना होता था तो वो न्यूट्रिएंट्स को जो है वो अपने एक कवरिंग के अंदर सही से प्रोटेक्ट करके, जो कि एपिथेलियल कवरिंग होती थी, अपने सारे न्यूट्रिएंट्स जो उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते थे तो उसको कवर करके रिलीज़ कर देते थे एक स्पोर की शक्ल में, एक गैम्यूल बना के उसको रिलीज़ कर देते, जो कि विंटर ड्राउट हर तरह की कंडीशन को बेयर कर सकता था, और जब फेवरेबल कंडीशन होते तो एक नए स्पॉन्ज के अंदर ग्रो कर जाता है। ये होती है इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद था फर्स्ट डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आर, तो फर्स्ट डिप्लोप्लास्टिक या सिर्फ जो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं साइनेडेरियंस। डिप्लोप्लास्टिक होने का मतलब ये था कि सिर्फ दो सेलुलर लेयर थी, एक आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, और बीच में जो मीजोडर्म होती थी, बाकी सब डिप्लोप्लास्टिक में के अंदर इनके अंदर जो होती वो नॉन सेलुलर मिसोग्लिया होती, जेलेटेनियस लेयर होती थी। उसके बाद अगला सवाल था नो फाइलम इज इवॉल्व फ्रॉम, तो आपकी बुक में जहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो ह्यूमन की एवोल्यूशन हुई थी, मैं आपको दिखाती हूँ उसके साथ साथ समझाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने बुक में बताया है आपको कि जो स्पॉन्जेस है यानी फाइलम पॉरीफेरा, साइनेडेरियन और फ्लैटवर्म यानी प्लैथेलमिंथस, इन तीनों से जो है वो अलग अलग तीन सेपरेट एवोल्यूशनरी लाइन्स जो है वो निकलती हैं बाकी फाइलम्स। उसके बाद उन्होंने आगे बताया था कि जो बाकी दूसरे फाइलम हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रोबेबली या तो वो फ्लैटवर्म से या फिर फ्लैटवर्म लाइक एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, यानी कि जो तीन
यानी कि तीन, पहले उन्होंने बता दी कि तीन एवोल्यूशनरी लाइंस थी, स्पॉन्जेस वाली, साइनिडेरियन वाली और फ्लैटफॉर्म वाली। उसके बाद कह रहे हैं कि जो बाकी फाइलम से वो सारे के सारे जो है या तो फ्लैटफॉर्म से अराइज हुए या फिर फ्लैटफॉर्म लाइक एंसेस्टर से अराइज हुए। तो उसका मतलब ये हुआ कि जिनसे कोई भी फाइलम अराइज नहीं हुआ वो बाकी दो जाते हैं, स्पॉन्जेस, पोरीफेरा से कोई फाइलम अराइज नहीं हुआ और साइनिडेरियन से कोई फाइलम अराइज नहीं हुआ। तो उन्होंने यहाँ पे यही पूछा था कि किससे कोई भी फाइलम अराइज नहीं होता, तो प्लेथेलमिंथस प्लेटफॉर्म से या उसके जैसे एंसेस्टर से अराइज हुए हैं। मैमल्स तो क्लास है, पाइसिस भी क्लास है, तो क्या हो गया ऑप्शन, साइनिडेरिया, और स्पॉन्जेस होता तो हम उसको मार्क करते हैं। उसके बाद अगला सवाल था फ्लेम सेल्स आर द फीचर्स ऑफ, तो फ्लेम सेल जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स जो होती थी, प्रोटोनेफ्रीडिया जो होता था फ्लैट वॉर्म्स का, उसका फीचर होता है ये। उसके बाद अगला सवाल था एलिफेंटियसिस इज कॉज्ड बाय, तो ये याद करने वाली बात थी कि ये इनसाइक्लोस्टोमा से हो रहा था। एलिफेंटियसिस में लेग वगैरह या जो मेल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं क्योंकि लिम्फेटिक रीजन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है इसकी वजह से। उसके बाद अगला सवाल था लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एनालिट्स, तो वो होते हैं सीटा। फिर लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स ऑफ फाइलम, इन्वर्टिब्रेट फाइलम या लार्जेस्ट फाइलम या इन्वर्टिब्रेट फाइलम वो होते थे अर्थोपोडा, और सेकंड लार्जेस्ट होते थे मोलस्का। ये दोनों एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इनको याद रखना था। उसके बाद था लार्वा ऑफ मोलस्का, तो आपको सारे फाइलम के लार्वा जो आप याद कर लेंगे, एम्फीब्लास्टुला पोरिफेरा का था, बायप्लेनेरिया इकाइनोडर्मेटा का था, और चेक कर लीजिएगा उसको। और निम्फ जो था वो बेसिकली जो मेटामॉर्फोसिस हो रही थी अर्थोपोड्स वगैरह के अंदर, उसके एक डेवलपमेंटल स्टेज थी मेच्योर, और मेरे ख्याल से मेच्योर। और उसके बाद फिर जो ट्रोकोफोर थे वो थे लार्वा के, मोलस्कन्स के लार्वा थे। उसके बाद था एनिमल्स विच आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, तो जो इंसेक्टा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल्स थे, और वही हैं जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा हर जगह, चाहे गर्म से गर्म, सर्द से सर्द जगह, हर जगह जो होते हैं वो इंसेक्ट्स लाजमी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में जो भी इंसेक्ट्स है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। कैट नहीं होते, बर्ड नहीं होते, क्रोकोडाइल नहीं होते, तो आंसर हो गया कॉकरोचेस। उसके बाद सीलोम फिल्ड विद ब्लड इज़ फाउंड इन, तो जो सीलोम थी सारे उसकी, वो भी आपने जो भी बेसिकली जो सेलेंट फीचर्स हैं ना वो आपने थोड़े बहुत सबके अच्छे से याद रखने हैं। जैसे सीलोम फिल्ड विद ब्लड का मतलब जो हीमोसील थी अर्थोपॉड्स के अंदर, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो हीमोसील थी उसको इसीलिए कह रहे थे क्योंकि उनकी जो सीलोम थी उसके अंदर ब्लड साइनसिस थे। ब्लड इजीली क्या होता था, वेजल से निकल के टिश्यू से वापस वेजल में, यानी एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाती थी बॉडी कैविटी में और ब्लड के वेजल्स के अंदर। तो इस वजह से इसको, यानी एक तरह से वो हर वक्त फिल्ड रहते थे, ब्लड से भरे रहते थे सीलोम्स, इस वजह से उसको हीमोसील कहते थे अर्थोपॉड्स के अंदर। उसके बाद अगला सवाल था फाइलम विच कांट बी आउटसाइड द सी, ठीक है, इस सवाल को देख के और इसमें ऑप्शन में यहाँ पाइसिस दिया हुआ है, एम्फीबियंस, एकाइनोडर्म्स और रेप्टाइल्स। पाइसिस देख के सबसे पहले सब जो है वो जल्दबाजी में यही लगा देंगे, लेकिन एक दफ़ा सवाल को सही से देख लें। सवाल में इन्होंने पूछा हुआ है फाइलम, पाइसिस जो होती है वो फाइलम कॉर्डेटा की क्लास होती है, फाइलम नहीं होती, ठीक है। तो उन्होंने फाइलम के बारे में पूछा है, तो यही के जो एकाइनोडर्म्स होते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर भी कि दे कैन नॉट फाउंड आउटसाइड द सी, तो यही होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स जो होते हैं इकाइनोड्रम्स। उसके बाद अगला सवाल था लिम्स ऑफ रेप्टाइल्स आर, तो रेप्टाइल्स के आपको करेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए कि वो पेंटा डेक्टाइलस होते हैं। पेंटा मीन्स फाइव और डेक्टाइल मीन्स डिजिट, जिस तरह से हमारी पांच उंगलियां होती हैं वैसे ही इनके भी जो क्लॉज के आगे होते हैं फाइव डिजिट्स होते हैं, तो इसलिए इसको पेंटा डेक्टाइलस कह रहे थे। उसके बाद था क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट इन, तो इन्होंने यहाँ पे सवाल इस तरह से पूछा है और ऑप्शन में दिया हुआ है एनालिट्स। इसके बारे में आपने याद रखना है, ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है कि एनालिट्स जो थे वो फर्स्ट एनिमल थे जिनके अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, वो फर्स्ट एनिमल जिनके अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया था वो एनालिट्स थे, ठीक है। तो इसके अंदर तो है ही है, पूछ रहे हैं किसमें नहीं है। इकाइनोडर्म्स में भी ओपन टाइप होता है, अर्थोपोड्स में भी ओपन टाइप होता है, क्योंकि जिन्होंने सवाल भेजे थे उन्होंने सिर्फ तीन ऑप्शन लिख के दिए थे। तो हो सकता है, मेरा गैस ये है कि अगर इस सवाल की करेक्शन ये हो सकती थी कि डी ऑप्शन में ये हो सकता था बोथ ए बी एंड सी, लेकिन क्योंकि डी ऑप्शन नहीं था तो हम आपकी तरफ से एडिशन नहीं करेंगे, ना इसमें और कोई करेक्शन हो सकती है, यही हो सकता है। मैंने आपको उसकी सही इन्फॉर्मेशन बता दी कि ये दोनों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और सिर्फ ये क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो जिन्होंने सवाल भेजा था वो देख लें कि इसमें क्या मिस्टेक थी, कुछ मिसिंग था या क्या था, बाकी इसमें और कोई करेक्शन तो नहीं हो सकती, या तो ऑप्शन डी कुछ बता दें कि ऑप्शन डी कुछ था या नहीं था, ठीक है। बाकी यही है इसकी जो इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगले सवाल पे चलते हैं, द हार्ट ऑफ फिश वो किस शेप का होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि वो एस शेप का होता है। इसमें होता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है एक साइड से, फिर एट्रिया में आता है, वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से होकर फिर वो डायरेक्ट ऑक्सीजनेशन के लिए गिल्स में चला जाता है और कभी भी वापस हार्ट के पास नहीं आता पंपिंग के लिए। ये आपने याद रखना है, जो कि होती है सिंगल सर्किट सर्कुलेशन फिशेज के अंदर एस शेप हार्ट से। उसके बाद है द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड,
तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता था उसको कहते थे कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अब ये सवाल मत पूछिएगा कि बायो का पेपर तो आपका केमिस्ट्री की बुक भी पढ़ के जाए। नहीं, अगर आप अपनी बायो की बुक ही सही सही पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि जो चैप्टर 2 है मेरे ख्याल से, जो भी चैप्टर है बायोकेमिकल मॉलिक्यूल वाला, उसमें बताया हुआ है एक बॉक्स के अंदर, यानी जो बॉक्सेस होते हैं ना बुक में, आपने उनको अच्छे से करके जाना है। उसमें बताया हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर होते हैं दो एटम्स के दरमियान तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और आयनिक बॉन्ड तब होता था जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। ये बेसिक केमिस्ट्री की भी बात है, वैसे ही सबको पता होगी। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA इज टर्म्ड एज। तो एक बात आपने याद रखनी है, mRNA जो होता है जब वो प्रोटीन सेंसेस बन रहा होता है तो इसको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली सिंपल सादे अल्फाजों में उसका मतलब ये होता है कि कॉपी बनना या किसी चीज़ का रेप्लिका बन जाना। तो जब प्रोटीन सेंसेस होती है तो DNA का रेप्लिका बनता है mRNA, सही है। तो इसको नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्ट का। ट्रांसक्रिप्ट यानी उसकी कॉपी बन के आया है ये। तो इसलिए जो ट्रांसक्रिप्ट बनने का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बिना किसी और ऑप्शन में जाए या कुछ और कन्फ्यूज हुए, आपने डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन लगा देना है।